किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों पर किए गए अत्याचार के खिलाफ अखिल भारतीय ट्रेडर्स यूनियन कांग्रेस एटक शुक्रवार को काला दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर नारेबाजी की। जिला एटक महासचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि किसानों को लेकर जो केंद्र सरकार का रवैया है वह बिल्कुल खराब है। हरियाणा में किसानों पर रबड़ की गोलियां चलाई गई, उनके ट्रैक्टर को क्षतिग्रस्त किया गया, वहीं पुलिस के द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज भी किया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में जो एक नौजवान किसान शहीद हुआ है यह केंद्र सरकार का बिल्कुल खराब रवैया है। केंद्र सरकार को किसानों की वाजिब मांग एमएसपी को पूरी करनी चाहिए। 2016 में जब किसानों का आंदोलन हुआ था तो उस समय मोदी सरकार ने वादा किया था कि वह स्वामीनाथन की रिपोर्ट जारी करेंगे और जो किसानों की वाजिब मांग एमएसपी उसे पूरा करेंगे, लेकिन मोदी सरकार अपने वादे से मुकर रही है, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज का हमारा जो काला दिवस का प्रोग्राम है ये ऑल इंडिया लेवल पर है, सारी ट्रेड यूनियनों के द्वारा ये किया जा रहा है और किसान आंदोलन जो सिंबू बॉर्डर पर और खरौनी बॉर्डर पर जो चल रहा है उसके मामले में है, जहां सरकार हरियाणा सरकार द्वारा जो किसानों पर जिस प्रकार की प्लास्टिक की गोलियां हैं, ऊपर से आंसू गैस के गोले जो छोड़े जा रहे हैं, उनका काफ़ी ट्रैक्टरों में काफ़ी नुकसान किया गया है। एक नौजवान किसान की जो मृत्यु हुई है हाल ही में उसके संदर्भ में यहां किया गया है। सरकार इस तरह से किसानों के ऊपर जो हमारे देश के अन्नदाता हैं उन पर इस प्रकार के अगर दमनात्मक अगर नीति करेगी तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है, आम किसान जनता के लिए ठीक नहीं है। इसलिए इस तरह सही रवैये को मोदी सरकार को छोड़ना पड़ेगा और किसानों की जो वाजिब मांगे हैं जो कि मोदी सरकार ने 2016 में ही इस बात की घोषणा की थी कि वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे और किसानों को उनके वाजिब मूल्य दिलाएंगे, एमएसपी लागू करेंगे, परंतु ये सरकार अपनी बातों से पीछे हट रही है और एमएसपी लागू नहीं करने के इरादे से वो काम कर रही है और लगातार किसानों पर इस प्रकार के दमनात्मक जो कार्रवाई की जा रही है उसकी कठोर निंदा करते हैं। और आज क्या हम ये ट्रेड यूनियनों की तरफ से काला दिवस मनाया जा रहा है और ये संदेश देना चाहते हैं कि मोदी सरकार किसानों पर अत्याचार करना शीघ्र बंद करे और उनसे वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान करे।